नेशनल खबर सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में। स्किन एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है, वो हानि रहित चीज़ों से, मतलब जो कि प्रैक्टिकली हार्मलेस चीज़ें होती हैं, उनसे रिएक्ट करने लगता है और उसके बाद रेसेस या स्किन के कोई भी सिम्टम्स और साइंस को प्रोड्यूस करता है। हो सकता है मैं आपको इतनी आसानी या सरल भाषा में ना समझा पाई हूँ, तो इसे सरलता और विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया के सहिंसा कहे जाने वाले विश्वरूप रॉय चौधरी जी मौजूद हैं। तो सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। और पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है कि ये जो स्किन एलर्जी होती है, क्या होती है और क्यों होती है? स्किन एलर्जी, देखिए, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, और वैसे तो लिवर है 2.5 kg का, राइट, और लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा स्किन को मानते हैं नंबर वन ऑर्गन। तो स्किन का काम क्या है कि बॉडी के सारे ऑर्गन को एक जगह इकट्ठा रखना। लेकिन स्किन का एक और काम भी है, स्किन को अक्सर तीसरा किडनी भी बोला जाता है। तीसरा किडनी, दो किडनी तो बॉडी में होती है, थर्ड किडनी का नाम दिया जाता है। जब पसीने निकलते हैं तो पसीने को अगर आप केमिकल एनालिसिस करें तो उसमें वही सारी केमिकल मिलेंगे जो केमिकल यूरिन में मिलते हैं। यानी कि जिस तरह से किडनी आपके बॉडी को फिल्टर करता है और यूरिन पास आउट होता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, स्किन भी एग्जैक्टली वही काम करता है। इसीलिए स्किन को थर्ड किडनी बोलते हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपका बॉडी किसी टॉक्सिन को, यानी कि किसी विष बोल सकते हैं हिंदी में इसको, जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, वो किडनी के रास्ते फिल्टर होकर जब बाहर नहीं जा पाता किसी भी कारणवश, तो बॉडी के पास एक चारा रह जाता है अपने आप को बचाने का कि स्किन के रास्ते से उसको बाहर भेजें। तो स्किन के रास्ते से जब कोई भी टॉक्सिक मटेरियल बाहर जाता है और बहुत ज़्यादा बार जाता है, तो स्किन जिस चीज़ के लिए नहीं बना है बहुत ज़्यादा बार जाने के लिए, तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे घाव हो जाता है, वहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, जिसे हम एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जी का जो प्रॉब्लम बोलते हैं वो स्किन की इशू नहीं है, स्किन पे दिखाई दे रहा है, स्किन पर प्रॉब्लम है, लेकिन स्किन की वजह से नहीं है। बॉडी की फंक्शनिंग ठीक नहीं थी, बॉडी का किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, या इंसान जो खा रहा है वो ऐसी चीज़ खा रहा है जो बॉडी को पसंद नहीं है और बॉडी उसे फिल्टर आउट नहीं कर पा रही, तो वो स्किन का सहारा ले रही है। और वो इस हद तक ले रही है कि स्किन जितना डिज़ाइंड है उसके कैपेसिटी के बियॉन्ड। तो दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एलर्जी। यानी कि कोई बोलेगा एलर्जी हो गया, तो किसी को खराश होगी तो एलर्जी हो गया, किसी को रेडनेस होगी तो एलर्जी हो गया, किसी को अगर देखेंगे वो घाव सा है एलर्जी हो गया, किसी के कलर स्किन का चेंज हो गया तो भी एलर्जी हो गया। तो ये सारे एलर्जी में आएंगे, ये सारे स्किन इश्यूज स्किन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बट वो स्किन की वजह से नहीं है, स्किन का इशू है बट नॉट बिकॉज ऑफ स्किन। तो दैट इज द होल थिंग है स्किन एलर्जी। क्यों होती है सर? हाँ, इसके साथ साथ क्यों होती है, आपने जवाब में पार्टली मैंने बता दिया क्यों होती है, क्योंकि जब स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और फिल्टर का काम एक लेवल से ज़्यादा करता है, फिल्टर का काम करता ही है, क्योंकि आप हर दिन पसीना जब छूटता है तो स्किन तब आपकी बॉडी के टॉक्सिन को बाहर ही निकाल रहा होता है। तो ज़्यादा पसीना आना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन कई बार आपके टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं और बाहर के एटमॉस्फेयर से भी, और जो स्किन में बैक्टीरिया होता है उससे भी, एंड तब जाके एलर्जी होता है। तो एलर्जी होने का जो मेन कारण है, जो स्पेसिफिक टू ए पर्सन, मतलब कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, दूध जब भी पियेंगे तो उनके पूरे इन्फ्लेमेशन आ जाएगा या सूजन आ जाएगी बॉडी में, तो दे आर एलर्जिक टू मिल्क, राइट। तो कोई लोग हो सकता है, कोई प्रॉन से एलर्जिक हो सकता है, कोई हो सकता है कोई बैंगन से एलर्जिक, दही से भी हो जाता है, ठंडा खाने से, दही से भी हो सकता है। तो अलग अलग इंसान किसी न किसी चीज़ से एलर्जिक होता है। कैसे पता चलेगा? वो खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो नोटिस करेगा कि जितनी बार मैं ये पर्टिकुलर चीज़ खाता हूँ उतनी बार ही मुझे थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग सी लगती है, तो समझ गया कि ये वाला फूड जो है वो मेरे बॉडी के लिए एलर्जिक है। तो जो भी वो फूड है जो उसने आइडेंटिफाई किया है, वो एक बार और टेस्ट कर सकता है कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ वही खाया और देखा कि तब भी क्या वो रिएक्शन आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो उस वाले फूड को जीवन भर के लिए उसको छोड़ना होगा। यानी कि एलर्जी का कोई क्योर नहीं है, सिर्फ बॉडी यही बता रहा है कि भाई
ये चीज़ आपकी बॉडी को पसंद नहीं है, वो बाकी लोगों के लिए वो नॉर्मल हो सकता है, बाकी लोगों के लिए वो असर नहीं भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसके बॉडी इज़ एलर्जिक टू दैट पर्टिकुलर फूड, तो उस इंसान को वो वाला फूड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको पूरी तरह से छोड़ देना है। और कभी अनजाने में किसी और चीज़ में अगर वो कोई एक पैक चीज़ ले रहा है, उसका पार्ट वो चीज़ बन गया जो और खा लिया, तब भी वो ट्रिगर करेगा, राइट। कि आपको पता हो ना हो, लेकिन आपकी स्किन को पता है, आपकी बॉडी को खबर है। इसे ये क्यों होता है, इसे हम बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब कि हमारा बॉडी, हमारी इम्यूनिटी हमारे साथ ही झगड़ा कर रही है, हमारी इम्यूनिटी हमारे हेल्दी सेल्स को ही लड़ाई कर रही है। तो कई बार ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होता है, ट्रिगर करता है, एंड एज ए रिजल्ट वो स्किन पर दिखाई देता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ को स्विच ऑफ करने के लिए उस तरह के इंग्रेडिएंट को हमें अपने बॉडी से हटाना होगा। मेनली 90% लोगों को वो देयर एलर्जिक टू एनिमल प्रोडक्ट। तो एनिमल प्रोडक्ट में एनिमल प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोटीन जहाँ जहाँ से भी आता है, चाहे वो अंडा हो, मछली हो, दूध हो, दही हो, उन चीज़ों को बंद कर दें। तो ये है ओवरऑल कारण क्या है और इसको करना क्या है। अगला सवाल मेरा ये है सर कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है स्किन एलर्जी के? सिम्टम वही जो मैंने अभी बताया कि आपको अचानक बेवजह आपको दिखेगा कि कोई एक्सटर्नल हमने कोई उस पर स्किन पे कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई बाहर से कोई रगड़ गया हो या किसी मॉस्किटो ने काट लिया हो, तो वो तो बाहर से हुआ, राइट। ये सारे इन्वेजन नहीं होने के बावजूद भी स्किन में अचानक देखा कहीं सूजन दिख रही है, कहीं पे कोई इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, कहीं पे रेडनेस दिख रही है या कलर चेंज दिख रहा है, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं, इन्हीं सारे को सिम्टम बता सकते हैं। कहीं पे आपको खुजली दिखाई दे रही है और जितना खुजली कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, तो यही सारे सिंपल सिम्टम्स होते हैं और यही सिम्टम वो फैलते भी जाते हैं। अगर इसका जो सोर्स है, इसका जो कारण है, उसको आपने स्विच ऑफ नहीं किया तो फर्क फैलते जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने बताया ये स्किन की बीमारी है लेकिन स्किन की वजह से नहीं है, तो इसका सोल्यूशन बॉडी के अंदर है ना कि बाहर है। इसके बचाव के लिए फिर क्या करें सर? बचाव के लिए यहीं पे इसका जो मैंने कारण बताया वहीं से शुरू होता है बचाव, कि ये स्किन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बट स्किन इसकी वजह नहीं है। तो बचाव के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या नहीं करना है। कोई लोशन वगैरह मत लगाइए, मेजरली लोशन वगैरह वैसे भी मत लगाइए, जितने सारे लोशन है दीज आर थिंग्स जो कि हमारे स्किन से के साथ वो कंपैटिबल नहीं है। भगवान ने ऐसा कोई लोशन नहीं बनाया है। तो स्किन में डायरेक्ट धूप पड़े जिससे स्किन की हेल्थ अच्छी होगी, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खूब सारा खाएं जिससे स्किन की हेल्थ अच्छी होगी। ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो स्किन में एलर्जी क्रिएट करती है, रह रह के उसको आप स्विच ऑफ कर दें, राइट। और स्किन में आप कोई ऐसी चीज़ों का ना तो लोशन लगाएं, ना कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे एलर्जी बढ़ जाए। एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप नीम लीजिए, 1 किलो नीम का पत्ता, उसे थोड़ा क्रश कर लीजिए और 2 लीटर पानी में उसको उबालिए जब तक वो 1 लीटर ना हो जाए। उस 1 लीटर पानी को छान लीजिए और उसको 1 बाल्टी पानी में डाल दीजिए। अब उस 1 बाल्टी पानी से आप नहा लीजिए। जिसका स्किन भी थोड़ा सेंसिटिव है, जिसको रह रह के किसी न किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता रहता है या घाव होता रहता है, तो वो एक नियम बना लें कि कुछ दिनों के लिए नीम के पानी से नहाएं। जैसे मैंने अभी बताया रेगुलर या फिर हफ्ते में 15 दिनों के लिए नहा ले, उसके बाद हफ्ते में एक बार नहा ले, राइट, जब ठीक हो जाए उसके बाद भी, ताकि ये बॉडी में और जो स्किन है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाए, नंबर वन। नंबर टू, साबुन का इस्तेमाल करते हैं कई लोग तो भी स्किन डिजीज होती है, तो साबुन के लिए आप घरेलू साबुन बना सकते हैं। उसमें सबसे आसान तरीका कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, उस पानी को थोड़ा गुनगुना गर्म करके उसमें बड़ा नींबू निचोड़ दीजिए और एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को उस पानी में डुबो के पानी उसको थोड़ा गीला कर लीजिए और पूरे स्किन को रगड़िए पूरे जहाँ से, आप देखेंगे कि आपको फ्रेशनेस की फीलिंग होगी, आप के बॉडी से जो गंध है, मल है, वो सब निकल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन आपको महसूस होगा और उतना फ्रेश फील होगा जितना फ्रेश आपने कभी साबुन से या किसी और क्लिनजिंग एजेंट से नहीं फील किया। याद रखिए नींबू जो होता है ना वो क्लिनजिंग एजेंट है, बोलते हैं नींबू जैसे सफाई, भाई हाँ। नींबू ही आप यूज़ कर लो, वो तो ताज़ा होता है, खुशबू भी उसकी अलग होती है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो उसी को अपना साबुन बना लीजिए, ताज़े नींबू के 1 नींबू 1 गिलास आप ऐसे कीजिए, तो इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं और इस चीज़ से अपना क्योर भी कर सकते हैं। वहीं सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब इसका इलाज की बात आ जाती है कि इसका इलाज क्या हो, क्या करें? देखिए हमारे तरह पास बहुत सारे स्किन के डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग तरह के, तो यहाँ तक कि स्किन कैंसर के पेशेंट्स भी आते हैं। तो स्किन जो डिजीज़ होती है पहले तो इन्फ्लेमेशन में होती है, घाव होता है, हम नहीं देखते हैं तो वो बढ़ता जाता है, एक स्टेज आता है कि वो कैंसर तक पहुँच जाता है, स्किन कैंसर जिसे बोलते हैं। तो एक्सट्रीम केस की बात करते हैं कि
चाहे वो एलर्जी से शुरू हुई हो या कैंसर तक गई हो, बिसाइड कि आप उसमें उस चीज़ को हटाएं जो चीज़ इसको बढ़ावा देती है, राइट, और उस चीज़ को वो वाला फूड, और आप इसके अलावा इंक्लूड करें जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसे हम DIV डाइट भी बोलते हैं, कि 12 बजे तक आप फल खाइए पेट भर के, 700-800 ग्राम डिपेंडिंग ऑन आपके पेट में एपिटाइट कितना है, कुछ और मत खाइए, एक बार, दो बार, तीन बार में, 3 से 4 तरह के फल, रंग बिरंगे फल, और इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अलावा लंच और डिनर में कच्ची सब्जी खाइए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, लेकिन आपको इतना खाना है जितना आपके बॉडी वेट, मान लो आपका बॉडी वेट 70 kg, तो 700 ग्राम कच्ची सब्जी लंच और डिनर, यानी कि 350 ग्राम लंच में, 350 ग्राम डिनर में, और उसके बाद रोटी चावल खाइए। और जो एक और चीज़ है, कई लोग रोटी यानी कि गेहूं से भी और चावल से भी एलर्जिक होते हैं, हम एलर्जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गेहूं और चावल भी छोड़ना होगा, इसकी जगह बाजरा यूज़ कर सकते हैं, बाजरा अलग अलग टाइप के आते हैं, उनमें से जो बाजरा आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, कैसे पता चलेगा, अगेन हर तरह के बाजरा को एक बार टेस्ट करना होगा, उसी की रोटी बनाइए, उसी का पुलाव बनाइए, उसी का पोहा बनाइए, उसी की खिचड़ी बनाइए, तो आप इस तरह से, और डेयरी प्रोडक्ट्स को, एनिमल फूड को छोड़िए, क्योंकि वो भी एलर्जिक करती है, स्किन इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करती है, तो ये डाइट पे रहिए। और एक और डाइट है स्किन का, वो है धूप, 10 से 15 मिनट सनलाइट एक्सपोजर दोपहर में, सुबह, कभी भी, तो ये जो मैं DIP डाइट अक्सर बताता ही रहता हूँ अपने बाकी इंटरव्यूज में भी, तो ये आपके स्किन का ध्यान रखेगी, स्किन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया अभी कि स्किन में वो दिक्कत दिख रही है, बट वो स्किन की वजह से नहीं है, स्किन पे दिखाई दे रही है, तो स्किन के हेल्थ के अलावा आपके बॉडी के अंदर की हेल्थ को ठीक करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बिसाइड नीम का पानी का यूज़ करना या लेमन का यूज़ करना क्लिंजिंग एजेंट के हिसाब से, या इंटरनल हीलिंग के लिए DIP डाइट का यूज़ करना, और सनलाइट का एक्सपोजर भी दिमाग में रखना, ये सारा कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो आप ओवरऑल अपना बॉडी का एलर्जिक इश्यू से ओवरऑल आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बात की DIP डाइट की, तो हमारे कुछ दर्शक हैं वो पूछते हैं कि क्या ये जो DIP डाइट है ये मेडिकली अप्रूव्ड है? देखिए, DIP डाइट पे अलग अलग टाइम पे बहुत सारे इस पे ट्रायल हुए हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायल हुआ है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ही तर्ज पे बना हुआ जो है दिल्ली में, देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान गवर्नमेंट का, उन्होंने इस पे ट्रायल किया, DIP डाइट पे ट्रायल किया, 2 साल तक ट्रायल चला, उसका नतीजा भी गवर्नमेंट की वेबसाइट में clinicaltrial.gov दिया हुआ है, और अगर आप इस ट्रायल को देखना चाहते हैं तो मेरी किताब है, दैट इज़ 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, bishwaroop.com में जाएंगे तो फ्री बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस किताब में पूरा ट्रायल मैंने दिया हुआ है, तो इस तरह के अलग अलग ट्रायल हुए हैं देश विदेश में, वो सारे ट्रायल का मैंने वहाँ पे हवाला दिया हुआ है, और वहाँ पे उसका प्रूफ किया गया है, ये तो हुई मेरी बात। लेकिन DIP डाइट से पहले हमने तो ये डाइट करते हुए अभी मुझे लगता है 7-8 साल हो गए हैं, इससे पहले भी 1980s में इसी तरह के डाइट से लोगों को क्योर किया जाता था अलग अलग देशों में, और तब भी बहुत सारे इस पर एविडेंस बेस्ड रिसर्च हुए हैं, और वो सारे रिसर्च अगर आपको पढ़ना है तो 10 चाइना स्टडी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च हुई है इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डिजीज़, उसको आप पढ़ेंगे, जो कि रेडली अवेलेबल है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बात कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई मेरी इन्वेंटेड बात है, हाँ मैंने उसको DIP डाइट का एक फॉर्म दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया, ताकि आम इंसानों को समझ के भारत के कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ कर पाए, अदरवाइज ये एक बहुत ही बड़े साइंस का हिस्सा है, जो सालों साल कई कई बार अलग अलग तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, उसके सारे एविडेंसेस चाइना स्टडी में मिल जाएगा, या मेरी किताब में मिल जाएगा, या आप थोड़ा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। शुक्रिया सर, हमें इतनी कीमती वक्त और कीमती जानकारी देने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं, ये एपिसोड इज अ रिजल्ट ऑफ योर क्वेरीज इन माई अर्लियर एपिसोड्स, आज इस एपिसोड में जो भी सवाल आप पूछेंगे वो सवाल हिस्सा बन जाएंगे मेरे अगले वीडियोज का, धन्यवाद, थैंक यू। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।